आज ऊपर पता फ्लाइंग में एक तगड़ा इंसिडेंट हुआ। मैं हाइट गेन कर रहा था, गेन अपना करते। ओ भाई ब्रॉस के बोतल भी खिले हुए यहाँ तो यार। ओहो ओहो आजा आजा आजा। क्योंकि दिन को लग नहीं रहा उस तरह का है। 360 मार के दिखाता हूँ आपको। 360 हेलो सभी दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे इस छोटे से चैनल में, और इसको बड़ा करना है आप लोगों ने। तो यार आज हमारा दूसरा दिन है, सॉरी तीसरा दिन है क्योंकि कल दूसरा था। तो यार आज हम लोग और हाइट गेन करेंगे। तो मैंने भाई दो दो अपर पहन डाल लिए हैं, क्योंकि ना जैसे जैसे हाइट गेन करते हैं ना थर्मलिंग में, तो वैसे वैसे ठंडा बहुत बढ़ते रहता है, क्योंकि अब ऊपर पता ही है ठंडा होता है। तो यार मॉर्निंग तो फिर डेली उसी टाइम का फॉलिन है। अभी 6 बज रहे हैं, बस ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, उसके बाद 7 बजे तक मूव कर जाते हैं यहाँ से हम, और फिर देखते क्या रहता है आज। भाई वाह, ये देखो हैंडसम हंक हमारा। इसके लुक ही लुक है और कुछ नहीं है इसका। अबे चैनल बंद है, कोई गया नहीं क्या आज? तो ये है अपना पीछे से रास्ता ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा लेट हो गया, 6:30 हो गया, 6:30 बजे। और दिन हम ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते थे। ये है ब्लेयर सर की, यहाँ है हमारा ब्रेकफास्ट सेंटर। ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब यहीं पर होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बन क्या खाना भैया? गुड मॉर्निंग, हेलो भैया, निकल ब्रो, गुड मॉर्निंग। हाँ वीडियो बनाया है, हाँ भेजता हूँ अभी, हाँ भेजता हूँ, भेज रहा हूँ अभी। ये खुल गया अपना ऑफिस, चलो निकालो निकालो। क्या दोनों का सेम है? दोनों का सेम है। अच्छा तीनों का भेज दूंगा, फिर हम फॉल भी भेज दूंगा, ठीक है? चलो तुम करो। तो यार आज तीसरे दिन भी पहुंच गए हम लगातार टेक ऑफ में अपने, और यहाँ देखो एकदम पहाड़ों वाली फीलिंग। भाई साहब देखो भेड़ सीप इनके पास जाता हूँ मैं तो। अभी थोड़ा टाइम है ग्लाइडिंग के लिए, वो अपना करते। ओ भाई ब्रॉस के बोतल भी खिले हुए यहाँ तो यार। ओहो ओहो, ये तो मैंने कल से देखे ही नहीं, क्योंकि मैं इधर को आया नहीं था ना। देखो ओ भाई मजा आ गया। आए हाय यार, इतना डेंस ब्रॉन्स के फूल आज ही देखे मैंने यार। देखे एक पेड़ में 4-5 या 10-15 देखे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं देखे यार। ये देखो, अरे वाह वाह वाह, मौज कर दी मैंने आज। ये देखो आहा, ले ले ले। वाह यार, इनके साथ तो पुरानी फीलिंग जुड़ी है यार। वाह यार, ले 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 ले, आ ले, आजा आजा आजा। अच्छा इन सब का इंश्योरेंस हुआ है, देखो यार, सॉरी इंश्योरेंस या रजिस्ट्रेशन जो भी है, देखो कानों पे, सबके कानों पे देखो। अरे गजब, हमारे वहाँ गाय भैंसों का होता है, यहाँ बकरियों का भी होता है, क्योंकि आजा 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 बाबू, आजा मेरा बाबू, आले आ गया, आजा आजा एक बार सर तो रंगने दे, आजा 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 आजा। क्या बात है, क्या बात है, आजा 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 आजा। अरे डर मत ना, आजा। अरे आओ यार, डर क्यों रहे हो तुम? आजा ले, ले। लेकिन यार डरते बहुत है, कितने सारे हैं यार बुबू के पास भी। मजा आ गया। ये देखो, आई हाय, आजा ले ले ले, आजा
यार आते नहीं है पास में, बड़ी समस्या है। देखो कितने भेड़ हैं बाबू, कितने हैं? हाँ 350। अरे वाह, सब घर आते होंगे ना शाम को? आप गांव कहाँ हुआ इधर आपका? बीर नीचे। अरे वाह, पहले से ही होगा ना आपके तो भीड़ पहले से होंगे। आप कहाँ से? हम उत्तराखंड नैनीताल। हाँ यहाँ पैराग्लाइडिंग करने आए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ पहले भी आए थे, पहले हो गया था कोर्स, अभी दूसरा चल रहा है एडवांस। गोली सर, गोली ठाकुर है ना उनके साथ। फायदा तो क्या है, ये अपना शौक भी हुआ और इन फ्यूचर कुछ फायदा भी हो जाए, क्या पता। मुझे ले रही मसाज की, खा दे काट दे दांत, काट दे। हाँ बुगा 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 उच्चा। ये देखो सब कैसे देख रहे हैं, ये क्या कर रही करके। हाँ पिछली बार मिले थे छल्लू बकर, ये देखो भाई ये नेक्स्ट लेवल के होते ब्रो। देखो ना भाई इनकी हाइट देखो, इनका अपीयरेंस देखो ब्रो, भयंकर एकदम भाई। जिसका वेट कम हो रहा डाल लो एक को, जब देखो आज हमारे टेक ऑफ में कितने सारे बकरियां, भेड़, हिल्लू, पता नहीं ये छल्ली बकर सब आ रहे हैं। नहीं मारते यार ये भाई साहब, इसको देखो यार ब्रो। एक इंटरव्यू प्लीज 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 प्लीज, यार इग्नोर कर रहा है तो भाई। भाई साहब ये बकरियों की उससे टेक ऑफ रुक गया हमारा, आज टेक ऑफ में बकरियां ही बकरियां आज। लग रहा है कि नहीं हो रहा है, जस्ट हैव टू गो फॉर स्ट्रेट टुवर्ड द लैंडिंग, क्योंकि हमने कल भी फ्लाई करना है, एक दिन में ही सब कुछ नहीं जीतना है ना। तो हर दिन डिफरेंट है, हर दिन की कंडीशन और एवरी सेकंड की कंडीशन आर चेंज। तो अभी क्या है, ये चल रही है, ये भी चल रही है, वेट करेंगे जैसे ही बन गया देन अपना अपना निकलते जाओ, नाम लेते जाओ एंड अप्लाई करते जाओ। अगर सीधा जा रहे हैं वहाँ कुछ मिल रहा है जस्ट आज फॉलो करो, लिफ्ट करो आराम से। अगर नहीं मिल रहा कुछ तो सीधा लैंडिंग के ऊपर जाओ, लैंडिंग अप्रोच करो, लैंड करो, क्योंकि दिन को लग नहीं रहा कुछ तरह का है, क्योंकि ये लोग भी बड़ा ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। बट ये ज़्यादा पोल्यूशन का ये पूरा पोल्यूशन है, इन्वर्जन लेयर है पूरा। आज इतना हाई है ये तो थोड़ा 4000 मीटर गई ऊपर, ये क्लाउड बेस नहीं ऊपर ऊपर है क्योंकि हॉरिजॉन्टल विंड फ्लो नहीं कर पा रही, यहीं पे इकट्ठा हो रहा है, ये भी डेवलप कर रहा है। गाइस चाहिए अपना अपना चेक कीजिए और निकलते जाइए। स्पीड तेज तेज जाती है। ओ देखो लैंडिंग कहाँ है, थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा थर्मलिंग, सेकंड डे ऑफ थर्मलिंग है। अब यहाँ से स्पीड बार चलूँगा आराम से, आज तो रिकॉर्ड बन गया। देखो लैंडिंग कहाँ है, दिख रही पीछे आप लोग को मेरे, और मैंने इतना ज़्यादा क्लाइम कर लिया ना, मज़ा आ गया भाई, दिल खुश हो गया। अभी क्लाइम प्रोसेस जा रही है, थोड़ा सा ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ टूवर्ड्स लैंडिंग भाई, मौजे हो गया मौजे। मौसम भी ज़्यादा थोड़ा बंद है ना, तो ज़्यादा क्लाइम नहीं कर रहा हूँ, तो सर लोग मना कर रहे हैं क्योंकि बंद है मौसम, क्या पता मौसम अचानक से चेंज हो जाए। नीचे तो भाई ग्लाइडर सारे ना, फिर कोई ग्लाइडर दिखाता हूँ।
क्लाइम कर रहे हैं नीचे, दिख रहा है आपके ग्लाइडर, दिख रहे हैं ये सारे क्लाइम कर रहे हैं। मैं इनसे इतना ऊपर आ गया, सो हैप्पी, आई होप दिख रहे हो, क्योंकि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। ओ देखो नीचे लैंडिंग दिख रही है अपनी, आपको भी दिख रही है क्या? ये देखो लैंडिंग, कब से भी ज्यादा होगी। चलो एक 360 मार के दिखाता हूँ आपको, 360 में क्या होगा ये देखो, आपको एक ड्रोन शॉट दिखेगा। राइट को 360 मार रहा हूँ अपने, यहाँ बहुत ज्यादा वीडियो बना दी हमने आज यहाँ पे, मजा आ गया, ठंडा हो रहा है बहुत यार, हाथ लाल हो गए भाई, लाल लाल, यू नो व्हाट इज लाल, लाल इज रेड। तीसरे दिन भी लैंडिंग होगी बढ़िया सी, और आज एक घंटे की फ्लाइट हुई है थर्मलिंग के बाद, जो कि अभी तक का मेरा मैक्सिमम है, और आई होप कि ये बढ़ता ही रहे। और लैंडिंग भी ठीक ठाक थी, उतनी अच्छी नहीं थी, और बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। अभी ग्लाइडर के यहाँ थोड़ा काइटिंग करते हैं और उसके बाद जाएंगे पैक करने। ओहो वो देखो एकदम वर्टिकल लैंडिंग कर रहे हैं, देखते हैं इनकी लैंडिंग। हाँ यस, मैं ग्लाइडर तो सबमिट करके आ गया, लेकिन आज ऊपर पता है फ्लाइंग में एक तगड़ा इंसिडेंट हुआ। मैं हाइट गेन कर रहा था, गेन करा बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर ली मैंने, और ऊपर पता है एक ऐसी हाइट पर पहुँच गया था मैं क्लाउड के अंदर, बस सेंटर ऑफ द क्लाउड पहुँच गया था। वहाँ से ना कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे, सिर्फ मेरे पाँव हाथ दिख रहे थे, और अगल बगल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने रेडियो पर मैसेज भेजा, मैंने कहा सर मैं क्लाउड के बीच में क्या करूँ, तो उनने बोला निकल फटाफट वहाँ से बाहर। तो बड़ा जल्दी से मैं एक भी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में निकल गया, काफ़ी टाइम बाद निकला वहाँ से, मतलब बहुत देर था उसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा वो मतलब अलग ही फीलिंग था। अगर सामने कोई आता तो फिर उसमें ठुकना ही था, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, मतलब जीरो विजिबिलिटी। तो ठीक है, पहुँच गया रूम में, रूम खोलते हैं, इसका लंच वंच करते हैं। अभी जा रहे हम टेक्निकल क्लास के लिए, और बारिश होने लग गई, इट्स रेनिंग। तो यार कल की फ्लाइंग में थोड़ा डाउट है, हो भी सकती नहीं भी, बिकॉज थोड़ा मौसम साथ नहीं दे रहा अभी, अभी तो कल का क्या पता क्या हो। बाकी अंदर तो अभी वीडियो बनाए हैं, तो वीडियो बनी रोड पे, सीधे आते हैं टेक्निकल क्लास के लिए, उसके बाद शाम को देखते हैं क्या क्या रहता अपना। तो यार आज की टेक्निकल क्लास भी ओवर होगी, और उसमें मेनली सर ने यही ब्रीफिंग किया कि सब लोगों ने अच्छा किया आज, बस मुझे थोड़ा सा वार्निंग ये दी कि जब मुझे क्लाउड फॉर्म हो रहा था पीछे, तो मुझे पता नहीं लगा, तो सर ने सबको बोला कि वहाँ से चले जाओ, तो मैं गया नहीं, शायद मुझे लगा कि वो कमांड मेरे लिए है नहीं, तो मैं एक बार क्लाउड में फंस गया था पूरा। तो फिर सर वही बोल रहे थे कि जब भी कमांड देते हैं कि सबको अगर जाना है तो एक साथ निकलो करके, तो क्योंकि क्लाउड में मैं थोड़ी देर के लिए स्टक हो गया था, तो मैंने दोबारा वॉकी टॉकी में पता किया कि मैं क्या करूँ, तब सर ने फिर दोबारा बोला कि निकल फटाफट वहाँ से। तो यार अब बच गए 8, और देखो हमें हर्डल पार करके जाना पड़ता खाने के लिए। हाँ तो यार अपना डिनर हो गया, क्योंकि आज हल्का हल्का है, हम दोनों आ गए अभी फिलहाल फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि बाकी लोग वहीं पे हैं। आप खेलते हैं हम थोड़ा चेस, माय चेस पार्टनर इज भरत, और मज़ा आता है चेस खेलने में। तो ठीक है यार, बाकी आप लोग थोड़ा सा अपना प्यार ऊपर से बनाए रखना, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी ठोक के बाय, कल मिलते हैं।